हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आज हम देखेंगे शेर की तरह जीना सीखो, शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। वो बस एक सिक्योर कोना ढूंढते थे और उसी कोने में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ जी हाँ हजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हमें हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हमें हाँ ना मिलाकर उनके हिसाब से जो चीज सही है वो चीज करने के ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये जो जी हजूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो उनका मालिक उन्हें करने को कहता है। इसीलिए उन्हें मिलता है भी उतना ही जितना उनका मालिक उन्हें देता है, और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें उतना मिलता है जितना उनके सोच उन्हें देने के सपने दिखाते हैं। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती। कोई बहुत खुशी होता है जो गधों के झुंड से निकलकर शेरों की तरह रास्ता बनाना जानता है। आपने देखा होगा कि गधा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालक की गुलामी करता है। वह बहुत जी दौड़ कर मेहनत करने के बाद भी रहता आखिर गधा ही है। लेकिन शेर वो पूरे दिन सोता है, लेकिन जब समय आता है शिकार करने का, तब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है शिकार करने में। वह अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जितनी मेहनत गधा पूरे दिन में करता है, उतनी मेहनत शेर एक मिनट में करता है। लेकिन उसके द्वारा एक मिनट में की गई मेहनत गधे द्वारा की गई दिन की मेहनत से कई गुना होते हैं। शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर उसे दो तीन दिन तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गधा अगर एक दिन का काम ना करे तो उसका नाम यानी कि उसका काम नहीं चल सकता, उसका मालिक उसे भगा देगा। जी उजूरी वो लोग करते हैं जिनकी मेहनत सफल तो होती है, पर काम वही करना पड़ता है जो उसका मालिक उन्हें करने को बोलता है। वह बोलेगा कि चाय लेकर आ तो चाय लानी पड़ेगी। वह बोलेगा कि टेबल पर थोड़ा कपड़ा मार दे तो कपड़ा मारना पड़ेगा। पर अगर तुम शुरू में ही टोक दोगे कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हारे सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये चीज बोले। जी हुजूरी करते करते अगर तुम ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हो तो उन लोगों के नजर में तुम्हारी इज्जत वही रहेगी कि हमारे वजह से ही वह पहुंचा है। पर अगर तुम अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर नजर उठाती भी है तो उन आंखों में उतनी आदर प्यार और सम्मान ही होगा कि तुम्हारा सीना गर्व से और चौड़ा होने लगेगा। गुलामी किसी की भी क्यों करनी है यार? क्यों किसी के पैरों में बैठकर रोटी मांगनी है? क्या तुम वह चीज नहीं हासिल कर सकते जहां वह शख्स बैठा है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो? कोई भी इंसान कमजोर सिर्फ तब होता है जब उसका बुद्धि और उसका दिल उसे यह यकीन दिलवाता है कि तू कमजोर है। और अपने दिल दिमाग की नहीं, अपने दिल दिमाग को कंट्रोल में रखो और अपने मन को कंट्रोल में रखो। यह पूरी दुनिया भगवान नहीं आपको पूरे सम्मान से जीने के लिए दी है। ईश्वर के अलावा यह सिर कहीं झुकाने से पहले 100 बार सोचना कि वहां से सिर झुका रहा हूं मैं जहां वहां इस लायक है भी या नहीं। काम करो, बहुत करो, पर कभी भी अपने आप को किसी के पैरों में गिराना मत, और ना कि किसी के आगे इतना झुकना कि वह आपके कमर को पावदान समझने लगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे ऐसा ही और मजेदार वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिराग वोरा अपडेट चैनल।